बीमा बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक, स्कोरिंग भी है। ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। कभी कभी तीन तीन सवाल पूछ लेते हैं, एनटीए तीन तीन सवाल नीट में पूछ लेता है। इसलिए आपको इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, समझना है। आसान भी है, ठीक है, हल्के मत लेना। जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके आधार पर हम बढ़िया से बढ़िया सवाल कर सकते हैं। लोग एक डेढ़ पेज में करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। अब हम फटाफट सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, ठीक है, गारंटी इस बात की, मजा आ जाएगा आपको। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो मैं डीपी सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आज हिंदी में फिजिक्स का वन शॉट। चैप्टर का नेम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक तथा मापन। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से ये तो लगातार वन शॉट चल ही रहे हैं, हर चैप्टर का वन शॉट एक थोरली रिविजन आपके लिए रहेगा। प्लस इसमें कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी रहेगा, मतलब क्वेश्चंस भी रहेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिवीजन रहेगा। और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब वन शॉट कंप्लीट हो जाने के बाद, एनसीईआरटी रिवीजन हो जाने के बाद, आपके लिए 30 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सीरीज भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तथा साथ ही साथ प्रैक्टिकल के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आकाश इंस्टीट्यूट के साथ आप देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। उससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, तो और साथ ही साथ फिजिक्स पर पकड़ अच्छी बनी रहेगी। तो जुड़े रहिए आकाश इंस्टीट्यूट के साथ। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वन शॉट हिंदी में। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पद्धतियाँ। पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पद्धतियों की जानकारी, यानी सिस्टम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद्धतियाँ तीन तरह की होती हैं, एमकेएस, एमकेएस सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस सीजीएस और एफपीएस। तो बच्चों, पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की, एमकेएस सीजीएस तथा एफपीएस। अच्छा, एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट है। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में किलोग्राम, ठीक है, सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड है। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में सेकेंड 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 है। तो बच्चों, एमकेएस बोले तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकंड। तो बच्चों, तीन पद्धतियां जिनमें हम मेजरमेंट करते हैं, जिनमें से दो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आइए हम लोग इतना जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे पहला सवाल बनता है कि यूनिट का कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हमें करना है भौतिक राशियों को, तो हम कैसे कन्वर्ट करें? उसके पहले हमें कुछ जानना होगा, ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भौतिक राशि का जो निरूपण है वो हम एनयू के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब किसी भी भौतिक राशि को हम एनयू से निरूपित करते हैं। एन है आंकिक मान और यू है बेटा यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक। जैसे मान लो आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो लेंथ का मेजरमेंट आपने करा और लेंथ आई 1 मीटर, है ना? तो 1 मीटर, वन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो 1 मीटर, 1 मीटर, तो वन हो गया आंकिक मान और मीटर हो गया यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि को बच्चों प्रदर्शित करने के लिए हम एन यू से प्रदर्शित करते हैं। एन हो गया आंकिक मान, यू क्या हो गया यूनिट। तो बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसी भी भौतिक राशि के। अब इस पर सबसे पहला सवाल जो बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी भी भौतिक राशि के लिए एन यू नियत होता है, किसी भी भौतिक राशि के लिए एन यू नियत होता है। तो बच्चों, दो बातें यहाँ आपको मिली, एक तो क्या एन यू नियत होता है तथा किसी भी भौतिक राशि को एन यू के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एन यू नियत हो जाएगा बच्चों, तो आप देख सकते हो, अगर एन यू नियत है, एन यू नियत है यानी कॉन्स्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं एन व्युत्क्रमानुपाती यू, है ना, एन व्युत्क्रमानुपाती यू के होगा, तो एन और यू का जो आरेख बनेगा वो आयताकार अतिप्रबलय होगा, ठीक है। एक अगला आरेख इसमें, जैसे एन व्युत्क्रमानुपाती है यू, ठीक है, अगर हम एन को वाई अक्ष पर रखें और वन अपॉन यू को एक्स अक्ष पर रखें, तो ये बन जाएगा वाई समानुपाती एक्स, यानी वाई समानुपाती एक्स मतलब सरल रेखा। तो एन और वन अपॉन यू का जो आरेख बनेगा वो बनेगा सरल रेखा, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि किसी भी भौतिक राशि के लिए एन यू तो नियत होता है, तो एन यू का यू के साथ या एन के साथ जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा बनेगा, समांतर किसके रहेगा, यू या एन के, क्योंकि एन यू का मान नियत है। तो बच्चों, ग्राफिकल सवाल इसमें क्या बनता है? ग्राफिकल सवाल बनता है क्या कि भाई साहब एन यू नियत है और एन यू नियत है तो एन व्युत्क्रमानुपाती होगा यू के। अलग अलग तरह से तीन प्रकार के ग्राफ मैंने आपको समझाए, यदि एन और यू का बनाए तो अति परवलय बनेगा, एन वन अपॉन यू का बनाए तो सरल रेखा, एन यू का एन या यू के साथ ग्राफ बनाए तो सरल रेखा,
ठीक है, क्योंकि एन यू नियत है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यू बड़े एन बड़े कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि एन यू क्या है, नियत है। ठीक है बच्चों, आगे की बात अपन करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके आधार पर एक दो तरह के सवाल भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि 2 जूल को अर्घ में बदलना है, ठीक है, 2 जूल को अर्घ में बदलना है। आपने इसके पहले क्या सीखा, आप इन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला भौतिक राशि की 3 पद्धतियाँ हैं, MKS, CGS, FPS। इसके बाद में आ गया कि भौतिक राशि का निरूपण किस तरीके से करते हैं, NU से करते हैं, और NU किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा होगा, आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा। ठीक है बच्चों, पहला सवाल, उसमें जो ग्राफिकल क्वेश्चंस थे वो आपको डिस्कस करे मैंने, समझाए। अब आगे एक और क्वेश्चन बनेगा कन्वर्जन पर। कन्वर्जन मतलब एक मात्रक से दूसरे मात्रक में हम बदलेंगे। 2 जूल को अर्घ में बदलना है, जूल है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और अर्घ है CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बच्चों 2 जूल को अर्घ में बदलना है, और आपको की पॉइंट क्या है, कंसेप्ट क्या है आपके पास, कंसेप्ट है N इंटू यू बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, N1 U1 बराबर कितना, N2 U2, ठीक है। N1 कितना है 2 जूल, बराबर कितना है, N2 निकालना है, ये हो जाएगा अर्घ। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि जूल MKS मात्रक है और अर्घ क्या है बच्चों, CGS मात्रक है। जूल MKS है, अर्घ क्या है, CGS है, ठीक है। तो जूल को हमें टुकड़ों में विभाजित करना है, जूल कंबाइंड फॉर्म है MKS का, तो MKS में तोड़ना है जूल को, ठीक है। तो 2 जूल, अब जूल कहाँ से आया, देखो वर्क का यूनिट जूल होता है, तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है मतलब कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो अपन मात्रक के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये F क्या है आपका, F है MA इंटू कितना, D। M का मात्रक हो गया आपका क्या, M मास है, M मास है, A त्वरण है, M द्रव्यमान है, A त्वरण है, D विस्थापन है, दूरी है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा kg। A हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 मीटर और आएगा तो मीटर स्क्वायर। तो जूल को लिख लेंगे बेटा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। N2 अर्घ आएगा बेटा kg, अब देखो अर्घ CGS है तो यहीं से आपको लाइन मिल जाएगी, यहीं से लाइन मिल जाएगी आपको। kg की जगह क्या आ जाएगा, ये MKS है, हमें CGS में बदलना, kg की जगह ग्राम आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर जैसे का तैसा, तो इससे ही गया। अब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लिखेंगे, या छोटे को बड़े में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें N2 मिले, ठीक है। तो बच्चों 2 kg हो जाएगा आपका कितना, 1000 ग्राम, और मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, ग्राम से ग्राम जाएगा। आप देखो यहाँ पर 100 का स्क्वायर है, मतलब 10 की पावर 4 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 10 की पावर 3, तो 2 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 4 बराबर N2, यानी N2 बराबर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 7। क्या बच्चों आपको बात समझ में आई, बिल्कुल डेफिनेटली आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि आपने बड़े आसानी से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में राशि को कन्वर्ट करा, N1 U1 बराबर N2 U2 की सहायता से। जो दिया है उसका MKS लिखो, या जो भी जिस यूनिट में दिया है उसमें लिखो, जिस पद्धति में दिया है उस पद्धति में लिखो, फिर जिस पद्धति में निकालना है, ठीक है, उसके लिए आप लिखो N2 U2, जो दिया है उसको लिखना है N1 U1, जिस पद्धति में निकालना है उसको लिखना है N2 U2, और फिर आपको मात्रक के आधार पर ये सारी गणना करनी है, और गणना के आधार पर आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। तो N2 आ गया बच्चों 2 × 10 की पावर 7, ठीक है। अब देखो 2 जूल को नई पद्धति में बदलो, जिसमें समय का मात्रक क्या है, 60 सेकेंड, लंबाई का मात्रक क्या है, 10 मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक 10 kg है। मतलब हम वहाँ 1 सेकेंड है ना, समय का मात्रक 1 सेकेंड लेते थे, यहाँ पर 60 सेकेंड है, मतलब एक यूनिट किससे बनाए, 60 सेकेंड से बनाए, समय का मात्रक 60 सेकंड को हम 1 सेकंड गिनेंगे, आप इतना समझो, ठीक है। तो आप क्या बोले, 2 जूल को नई पद्धति में बदलो, जिसमें समय का मात्रक 60 सेकंड है, और लंबाई का मात्रक 10 मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक कितना है, 10 kg, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां पर भी वही काम करना है, जूल को हमें किसमें बदलना है, जूल को बदलना है बच्चों हमें नई पद्धति में, जिसमें समय का मात्रक 60 सेकंड है, लंबाई का मात्रक 10 मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक 10 kg है। तो आइए बच्चों हम लोग बदलते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, आप सभी को पता है, जब भी कन्वर्जन करेंगे N1 U1 बराबर कितना, N2 U2, तो बच्चों N1 U1 बराबर कितना, N2 U2, तो N1 कितना है बेटा 2 है ना,
U1 है, जूल है, और ये N2, U2 क्या है, नई पद्धति है ना, नई पद्धति है ना, नई पद्धति, नई पद्धति में हमें परिवर्तित करना है, ठीक है। तो जूल को अभी लिखा था हम लोगों ने, 2 इंटू कितना, जूल केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, एमकेएस में तोड़ जूल को। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, N1 U1 बराबर N2 U2 और मान रखते जाएंगे, जैसा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, बड़ा आसान सवाल हो जाता है और बड़े आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो 2 जूल की जगह केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर N2 कितना, नई पद्धति में केजी की जगह कितना है, देखो ना 10 केजी, तो 10 केजी। N1 U1 से ही आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मीटर की जगह कितना है, 10 मीटर, तो 10 मीटर का होल स्क्वायर, और सेकंड की जगह कितना है, 60 सेकंड का होल स्क्वायर। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली आपको बात समझ में आ रही होगी क्योंकि बात बड़ी आसान तरीके से समझाई जा रही है। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखो केजी से केजी उड़ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ जाएगा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर उड़ जाएगा। आप देखो यहाँ पर क्या बचा, आप देखो देखते जाइए आप लोग क्या बचा, यहाँ पर 2 यहाँ बचा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड N2, और ये जगह 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3। जब समान आधार पर घातें होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर 3 हो गया, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3600, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो N2 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3600 × 2 7200 बटे कितना, 1000, ठीक है, 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 से भाग देंगे तो 7.2 है ना, यानी 2 जूल का नई पद्धति में जिसमें निकालना था हमें मान, वो कितना आएगा, 7.2। N1 U1 बराबर N2, 2 जूल बराबर 7.2 यूनिट इन न्यू सिस्टम, नई पद्धति में यूनिट का मान। तो 2 जूल किसके बराबर होगा, 7.2 के, वहाँ MKS, वहाँ नई पद्धति। क्या बच्चों बात समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियाँ। क्या बच्चों मूल राशियाँ, तो अभी हमने NU के बारे में पढ़ा, अभी हमें एक ही पॉइंट मिला काम का, एक तो ग्राफ और दूसरा क्या, कन्वर्जन। कन्वर्जन डेफिनेटली आपने सीख लिया होगा, ठीक है। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं मूल राशियाँ। आपको सभी को पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ 7 तरह की होती हैं, ऐसी राशियाँ जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की जो राशियाँ हैं उन्हें बोलते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मास, सभी को पता है, कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी को पता है। इनके मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, और इनके प्रतीक क्या है, एम मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए मोल। सो ये क्या है, ये है मूल राशियां, है ना, जिन राशियों का आपस में किसी से कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब ये राशियां स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। चलो इसके आगे, इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ टाइम देना है ये बहुत ज़रूरी है, किस कॉन्सेप्ट पर समय ज़्यादा देना है, किस कॉन्सेप्ट की पकड़ ज़्यादा अच्छे से करनी है, किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों व्युत्पन्न राशियाँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसी राशियाँ क्या, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलके बनी है उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलके बनी है क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां, लिखना जरूरी नहीं है, व्युत्पन्न राशियां, या इसको इंसॉल्ट लिख लो, मूल राशियों राशियों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है, ठीक है। बच्चों नीट में आपको एक बात बता दूं, बहुत सरल एग्जाम है, फिजिक्स बहुत सिंपल आती है, बस अपना डर निकाल दो, डर निकाल दो, और जैसा समझा रहा है मास्टर उस तरीके से अपने आप को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित कर लो, जैसा वो कर रहे हैं टीचर जो आपको समझाएं उसी के बेस पर अपनी दिनचर्या बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि उनका एक अपना अनुभव है, उस अनुभव का फायदा डायरेक्टली आपको मिलता है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ पूरक मात्रक या पूरक राशियाँ, ठीक है, पूरक राशियाँ या पूरक मात्रक में 2 आते हैं, एक तो समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण क्या होता है, जैसे मान लो वृत्त बनाते हैं ना, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर वृत्त की चाप के द्वारा कोई कोण अंतरित होता है तो ये समतल कोण कहलाता है। वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण होता है, 2D में, किसमें, 2D में, द्विभिमीय होता है, ठीक है।
इसके बाद यदि हम घनकोण की बात करें तो ये वृत्त है बेटा, ठीक है। तो वृत्त की चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ये समतल कोण है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप, ये चाप है बेटा, है ना, ए से बी तक ये चाप है। चाप बटे क्या, त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, क्या बच्चों बात समझ आ रही? बिल्कुल आ रही जी, बिल्कुल आसान है। अगर पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त की चाप यानी पूरे वृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2πr, 2πr बटे r, है ना। तो ये अगर पूरे वृत्त की बात करें तो 2πr बटे r, तो 2πr बटे कितना r, तो r से r कट गया, कितना हो जाएगा 2π। तो पूरा वृत्त, वृत्त के केंद्र पर कितना 2π कोण अंतरित करता है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा बेटा 2π। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? बिल्कुल से अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम किसकी बात करें, घनकोण की बात करें बच्चों, किसकी बात करें, घनकोण की। तो घनकोण क्या होता है, गोला, गोला लो, तो गोले का छोटा सा क्षेत्रफल, है ना, छोटा सा क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो 3D में कोण अंतरित करता है, इसको हम घनकोण बोलते हैं। क्षेत्रफल, वहां चाप, यहां क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितना कोण अंतरित करता है गोले के केंद्र पर, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन। और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। क्या बच्चों बात समझ? यहां चाप केंद्र पर कोण बनाती है, यहां पर क्षेत्रफल केंद्र पर जो 3D में कोण बनाता है उसे घन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इसका मात्रक स्टेरेडियन, ये दोनों कैसे हैं, पूरक मात्रक और पूरक राशियां, ठीक है बच्चों। अब सुनो, यहां पर जो सवाल आता है, पिछले गत वर्षों में सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में, कि ऐसी राशि बताओ जिनका मात्रक तो है पर विमा नहीं है, वो ये है। ये मात्रक रखते हैं पर इनके पास विमा नहीं है, तो विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है। घनकोण तथा समतल कोण विमाहीन है लेकिन मात्रकहीन नहीं है, देख लो। ये कोण बन गया बेटा, कोण, तो ये होता है आपका सॉलिड एंगल डेल्टा ए, मान लो ये क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा, पूरे स्फीयर का 4π आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, कितना आ जाएगा, 4π आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरे लाल, बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, तो ये पूरक राशियां और पूरक मात्रक, आगे की बात करते हैं। बीमा, बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक, स्कोरिंग भी है, ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कभी कभी 3-3 सवाल पूछ लेते हैं, NTA 3-3 सवाल नीट में पूछ लेता है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है, समझना है, आसान भी है, ठीक है, हल्के मत लेना, ठीक है। अब देखो, बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि को MLT की घातों के रूप में निरूपित करना उस भौतिक राशि की बीमा को प्रदर्शित करता है, क्या, किसी भौतिक राशि को MLT की घातों में, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T की घातों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है, ठीक, बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना, व्यक्त करना, निरूपित करना क्या है, बीमा है, जैसा कि आपको समझाया गया है, परिभाषा लिखाई गई है, ठीक है। अब देखो, लंबाई के लिए कैपिटल L, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, समय के लिए कैपिटल T, विद्युत धारा के लिए कैपिटल A, बोले लंबाई की बीमा क्या है, कैपिटल L, द्रव्यमान की कैपिटल M, समय की कैपिटल T, एम्पियर की कैपिटल A, तो ये है MLT की घात के रूप में व्यक्त करना। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो कि बेग, अच्छा बेग की बीमा, बेग की बीमा हमें निकाल ली है, बेग की बीमा निकाल ली, क्या होगी, ठीक, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें प्रयुक्त की जाने वाली राशियां पता होना चाहिए, उन राशियों के मात्रक पता होना चाहिए, अगर मात्रक पता है, राशियां पता है, तो बीमा बड़े इजीली आप निकाल पाओगे, सही बात है, निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो, मेहनत आपके लिए हो रही है, पूरा फायदा उठाना है, हर एक सवाल, एक एक सवाल टच होना चाहिए, एक एक सवाल सॉल्व करना है, इसका 3 सवाल आते हैं, खेल हो जाएगा, ठीक है, आप समझो बात को। बेग की बीमा, बेग की बीमा, बेग होता है आपका क्या, बेग होता है मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, एल टी माइनस वन, ओके, एल टी माइनस वन, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल आ रही है। अगर मात्रक नहीं पता होता, अगर मान लो मात्रक नहीं पता है तो फॉर्मूला पता होता, फॉर्मूला से मात्रक, मात्रक से बीमा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब देखो, बेग की बीमा होगी, ऐसी त्वरण की बीमा, बोले त्वरण की बीमा, लो त्वरण की बीमा, त्वरण की, तो त्वरण का फॉर्मूला, अरे मात्रक पता है, फॉर्मूला भी पता है हमें,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको भी पता है। अरे मुझे क्या पता है, आपको भी पता है, इतना तो आप जानती हो ना, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो, छोटी बातें हैं। ठीक है, तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एल टी माइनस टू आ जाएगा। बच्चों नहीं समझे बात को, आसान है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद हम बल की बात कर लेते हैं बच्चों, बल। ठीक है, बल क्या होता है बेटा, एफ बराबर एम ए, लो एम क्या है, कैपिटल एम, मास है ना, द्रव्यमान है। ठीक है, ए कितना अभी निकाला, एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अगर मात्रक नहीं पता है भाई साहब तो फॉर्मूला लिखो, मात्रक लिखो और एम एल टी के रूप में प्रदर्शित कर दो। ठीक है, अच्छा एक बात और, जैसे मान लो किसी नेतांक की विमा निकालना है हमें, वो नेतांक किसी फॉर्मूले में, तो पहले उस नेतांक को बाईं तरफ रखेंगे, बाकी सारे पदों को दाईं तरफ रखेंगे, मात्रक लिखेंगे, विमा लिख लेंगे, आंसर। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं, अरे सही कह रहा हूँ मैं एकदम। ठीक है, जैसे मान लो, मान लो गुरुत्वाकर्षण नेतांक की विमा निकालना है, क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण, आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, बहुत बढ़िया। तो ये कहां आता है पहले ये पता करो, कहां आता है, अरे हमें पता है g बराबर होता है पृथ्वी के पृष्ठ के समीप स्थित बिंदुओं पर गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण, एक ही बात है। ठीक है, जी एम बटे आर स्क्वायर। तो बेटा जी निकालना है, जी जिसको निकालना है उसको बाईं तरफ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बाईं तरफ, बाईं तरफ रखेंगे, बाकी सारे पदों को दाईं तरफ रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, जी बराबर जी आर स्क्वायर बटे एम, तो जी है एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बटे एम, तो यह जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, लो कर लो बात, क्या बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ और चीज़ें, अब देखो ये तो डायरेक्ट सवाल हो गए, अब सवाल आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं सवाल देता हूँ आपको, एक सवाल दिया मैंने, बोला कि हाफ एल आई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट की विमा बताओ, की विमा बताओ। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, इतना लेंदी सवाल कैसे निकालें, एल है स्व प्रेरकत्व, एल क्या है स्व प्रेरकत्व, आई क्या है, आई विद्युत धारा है, आई विद्युत धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, पारगम्यता, ठीक, माध्यम की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। अब तुम बोले कि इतने सारे विमा कैसे याद रखेंगे, हम कैसे निकालेंगे, अरे बेटा फॉर्मूला तो पड़े होंगे ना। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर ऊर्जा होता है, क्या होता है, ऊर्जा, हाफ एल आई स्क्वायर क्या होता है, ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब ही ये है ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो बेटा ये हाफ एल आई स्क्वायर बटे कितना, बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट, क्या फर्क पड़ता है, ऊर्जा बटे ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, तो ये हो जाएगा आपका ई से ही गया आयतन ऊपर वी, आयतन की विमा एल क्यू, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, नहीं समझे बात को। तो कुछ राशियों की विमा हम इस तरीके से जुगाड़ लगा के निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला पता होगा आपको, ऊर्जा है, पृष्ठ तनाव है, बल है, कार्य है, क्या है, थोड़ा उस पर तो नजर डालो, अदरवाइज इन सबके फॉर्मूला और इनकी विमा लिखते लंका लग जाती, नहीं आ रही बात में, तो ये सब नहीं करना है, तो थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, आपके पास स्मार्ट माइंड है उसका यूज करो और आगे बढ़ो, नहीं आ रही बात में, बिल्कुल आ रही है साहब। ठीक है, अब देखो एक और लिखते हैं, आपको याद रखना है सी आर और एल वाई आर ये समय नीतांक होते हैं, इनकी विमा टी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक और मैं आपको देता हूँ, बोले कि हाफ सी वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया है ना, और हाफ सी वी स्क्वायर में क्यू वी से भाग दे दो। अब सबका सी धारिता है, वी विभव है, वोल्टेज, क्यू आवेश है, की विमा, बोले तो ऊपर कितना है ऊर्जा, अरे संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये है, ये भी ऊर्जा है, क्यू इंटू वी, हाफ क्यू वी होती है, क्यू वी लिख दिया, हाफ से क्या लेना देना, हाफ तो कॉन्स्टेंट है ना, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर ऊर्जा नीचे ऊर्जा, तो ये ऊर्जा हो गया बेटा संधारित्र की, ये भी ऊर्जा है,
और यह भी संधारित्र की ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर है नीचे, ये विमाहीन हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर बटे कितना क्यू बी, क्या हो जाएगा बेटा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बोले तो विमाहीन, क्या हो जाएगा विमाहीन, क्या हो जाएगा विमाहीन, नहीं आ रही बात में, बिल्कुल आ रही साहब, बिल्कुल आ रही है, परेशान मत हो, आ रही है बच्चों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब सुनो, बढ़िया सवाल, ठीक है। अब आपको दे दें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना क्यू बी। अब देखो ये क्या है, ये है अभी बी स्क्वायर बटे टू बी नॉट, मैंने बताया था ना ऊपर सवाल में, वो क्या है चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ये विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी वृद्धि का ही आयतन, और ये क्या है बेटा ऊर्जा है, ठीक है। तो आप देखो इसको क्या लिख पाओगे, एनर्जी बटे कितना आयतन, ऊर्जा घनत्व है बटे कितना एनर्जी, एनर्जी से एनर्जी गया, वन बाई वी आ गया, कितना आ गया बच्चों वन बाई, अरे आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया जी, ठीक है, बच्चे समझदार हैं अपने। तो कितना आ जाएगा आपका एल की पावर माइनस तीन आ जाएगा, तो इसकी मामा क्या आ जाएगी एल की और माइनस तीन, लो कर लो बात, नहीं आ रही बस में, बड़े मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। आगे तो बच्चों समांगता का सिद्धांत, अगला जो टॉपिक है वो समांगता का सिद्धांत, बड़ा आसान है, शानदार सवाल बनता है, इस पर समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। समांगता का सिद्धांत, गणितीय समीकरण में आने वाले सभी पदों की विमा समान होती है, क्या बच्चों बात समझ में आई, किसी भी इक्वेशन में जो गणितीय इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, एफ इक्वल टू एम ए, कोई भी समीकरण ले लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, कोई भी समीकरण ले लो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो गणितीय समीकरण में प्रयुक्त किए जाने वाले जितने भी पद होते हैं उन पदों की विमा समान होती है। जैसे मान लो ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, यानी ए की विमा बराबर बी की विमा बराबर सी की विमा बराबर डी की विमा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, क्या बच्चों बात समझ में आई, समांगता का सिद्धांत। किसी समीकरण में बाईं तरफ और दाईं तरफ जितने भी पद हैं सभी पदों की विमाएं समान होती है, काम खत्म। आगे इसका सवाल क्या बनेगा आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि बेटा एक ही तरह की राशि को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो किन्हीं भी राशियों का कर सकते हैं, अलग अलग बीमा की राशियों कर सकते हैं, लेकिन जोड़ना घटाना इसका मतलब बीमा समान होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा L माइनस N, इसका मतलब अगर ये पॉसिबल है तो L तथा N की बीमाएं समान है, L तथा N समान बीमा की राशियां हैं, समान बीमा की राशियां हैं, ठीक है, क्या बच्चों बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा L बाई N, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बीमा समान हो, मैंने लिखा L into N, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बीमा समान है, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन L माइनस N लिखा तो कंफर्म है कि बीमाएं समान होगी। और सुनो मेरी बात, दूसरे तरीके से बोल दिया, L तथा N अलग अलग बीमाओं की राशियां हैं, अलग अलग बीमाओं की राशियां हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नीचे की तरह L माइनस एन लिख सकते हैं, L प्लस एन लिख सकते हैं, L बाई एन लिख सकते हैं, L इंटू एन लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, बीमाएं समान होना चाहिए योग अंतर में, ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये समांगता के सिद्धांत के आधार पर है कि समान बीमा की राशियों को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, भिन्न भिन्न बीमाओं की राशियों के लिए योग या अंतर अलाउड नहीं है, गुणा भाग कर सकते हैं, बात समझ लेना तू, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब सुनो मेरी बात, एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं, एक और बढ़िया सवाल करते हैं बेटा, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक्स बराबर दिया है अल्फा टी प्लस कितना बीटा टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, एक्स क्या है दूरी है, एक्स दूरी है, टी समय है, टी क्या है समय है, अब बोले तो अल्फा तथा बीटा का बीमा बताओ, अल्फा की बीमा क्या होगी बीटा की बीमा क्या होगी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या लगाएंगे, किसी गणितीय समीकरण में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड हर पद की बीमा समान होती है, ठीक है, तो क्या बच्चों एक्स की बीमा जो होगी वही अल्फा टी की होगी, वही बीटा टी स्क्वायर की होगी, ये पद है, ये भी एक पद है, पद अलग कब होता है जब प्लस माइनस चिन्ह आता है, ठीक है, तो आप बोलोगे एक्स की बीमा बराबर अल्फा टी की बीमा बराबर बीटा टी स्क्वायर की बीमा। अब सुनो मेरी बात, समझो तरीके से,
अब देखो इन दोनों को बराबर कर देंगे ना एक्स को और अल्फा को, आप बोलोगे एक्स की बीमा बराबर कितना अल्फा टी की बीमा, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे एल बराबर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू टी, तो अल्फा बराबर एल बटे टी, मतलब कितना आ जाएगा आपका एल टी माइनस वन। चलते बनो, कठिन है क्या, आसान है, नीट में आया, ठीक है। चलो आगे, आप देखो क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे अगला x की बीमा बराबर अल्फा टी स्क्वायर की बीमा। तो क्या लिखोगे बच्चों, x की बीमा l हो गई, अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा बराबर हो जाएगा l बाई टी स्क्वायर, मान निकाल लेना जैसे गणित में हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वही सब कर रहे हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू, अरे कठिन सवाल थोड़ी है, बच्चा है तू मेरा, समझ में आ रही बात कि नहीं, बिल्कुल 100% समझ में आ रही होगी बात, आप समझो बात को, फोकस कॉन्सेप्ट की जो नब्ज है उसको समझना है, समांगता का सिद्धांत, किसी भी गणितीय समीकरण में दोनों तरफ प्रत्येक पद की विमा बराबर होती है, काम खत्म। समान विमा की राशियों को जोड़ सकते हैं, समान विमा की राशियों को घटा सकते हैं, अलग अलग विमाओं की राशियों के लिए योग और अंतर अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, काम हो गया। आगे देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो बच्चों देखो ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत काम के हैं, सुनना मेरी बात को, इन पर भी नीट में सवाल आते हैं, ठीक है। समान विमा की राशियों के अनुपात विमाहीन होते हैं, क्या मतलब इसका, क्या मतलब समझ में नहीं आया, साफ समझ में नहीं आया, अरे मैं समझाता हूँ ना, मैं हूँ, ठीक है। क्या समान विमा की राशियों के अनुपात विमाहीन होते हैं, इसका मतलब ऊपर नीचे यदि समान विमा की राशियां हैं, जैसे ऊपर वेग नीचे वेग, ये होता है अपवर्तनांक, प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं माध्यम का, ठीक है। तो आप क्या बोले, ऊपर चाल है नीचे चाल है, तो ये विमाहीन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको बोलते हैं विमाहीन, विमाहीन। और लो ऊपर ऊर्जा नीचे ऊर्जा, कट जाएगा विमा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और लो आपेक्षिक घनत्व, ऊपर घनत्व तो नीचे घनत्व, तो समान विमा की राशियों के अनुपात विमाहीन होते हैं। अगला, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन होते हैं, साइन थीटा विमाहीन, एम जीरो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, कॉस थीटा जितने भी हैं सब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, टेन थीटा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब विमाहीन, विमाहीन को बंद लिख दो या फिर एम जीरो एल जीरो टी जीरो लिख दो, तो थीटा भी क्या होगा, विमाहीन, इनका जो थीटा है ना थीटा भी होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, विमाहीन होगा, ठीक है। क्या बच्चों बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। सभी चर घातांकीय पद विमाहीन होते हैं, बहुत बढ़िया, ई की पावर अल्फा एक्स अपॉन टी जो भी है ये पूरा क्या है, विमाहीन। ई की पावर वाला जो पद है चर घातांकीय पद वो क्या होगा, विमाहीन होगा, तो इसकी घात भी क्या होगी बच्चों, विमाहीन, विमाहीन को लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो उसकी घात भी होगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सुनो मेरी बात, पूरा पद भी विमाहीन होगा और उसकी जो घात होगी वो भी विमाहीन होगी, ठीक है, विमाहीन, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब देखो अगला, सभी लॉग के पद विमाहीन होते हैं, वाई बराबर कितना लॉग अल्फा एक्स प्लस कितना बीटा टी, प्लस माइनस कुछ भी लगा दो। अब देखो ये जो लॉग वाला पद है ये पूरा विमाहीन है बेटा, यहां वाई नोट लिख लो, ठीक है, ये विमाहीन है बेटा, तो ये भी क्या होगा, विमाहीन होगा, लॉग वाला पद जिसका लॉग है वो दोनों क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। क्या बच्चों बात समझ आई, बढ़िया पॉइंट मिले ना। अब सुनो इस पर सवाल, पहला सवाल दे रहा हूं मैं आपको, पहला सवाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स बराबर अल्फा टी बी प्लस बीटा प्लस टी बाय सी, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि x क्या है दूरी, ठीक है, x क्या है दूरी, अल्फा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, t समय है, t समय है। अब बोला मैंने, क्या बोला मैंने, बोला अल्फा बीटा c की विमा बताओ, अल्फा बीटा तथा c की विमाएं, की विमाएं बताओ। तो आप देखो आप बोलोगे एक्स की बीमा, एक्स की बीमा, अरे बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना तेरे को, अच्छे तरीके से जुड़ जा, ठीक है, एक्स की बीमा
एक्स की बीमा बराबर क्या, ठीक है, अल्फा टी की बीमा प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी, बराबर अल्फा टी की बीमा बराबर बीटा प्लस टी बाई सी की बीमा। आप देखो बीटा को हमने टी के साथ जोड़ा तो बीटा की बीमा तो क्या हो जाएगी, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो अल्फा की आ जाएगी, बीटा की बीमा, बीटा की बीमा इक्वल टू टी की बीमा, क्योंकि यदि दो राशियों को हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो उनकी बीमाएं बराबर होंगी तभी ऐसा कर पाएंगे। तो आप बोलोगे है ना टी आ जाएगी, तो आप बोलोगे एक्स की बीमा, एक्स की बीमा बराबर कितना अल्फा टी की बीमा। तो बच्चों एक्स की बीमा एल होती है, अल्फा टी की बीमा टी होती है, अल्फा का मान आ जाएगा एल बाई टी, यानी अल्फा की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। क्या बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल हाँ जी सर आई, बिल्कुल अच्छे समझ में आई है ना, आसान काम है, दिमाग है ना तेरे पास, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और नीट क्रैक, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई, बिल्कुल हाँ जी आ गई, ठीक है। अब देखो हमें किसकी बीमा निकालना है, बीटा की निकालनी, बीटा को हमने टी के साथ जोड़ा तो बीटा की बीमा टी के बराबर होगी। अब देखो सो एक्स की बीमा, अगला एक्स की बीमा, एक्स की बीमा बराबर अपन लिख सकते हैं बीटा, ऊपर बीटा लिखो या टी लिखो एक ही बात है, समान बीमा है, बीटा बाई सी की बीमा। तो बच्चों क्या लिखोगे, एक्स की बीमा एल हो गई, बीटा, बीटा तो पता है नाम है, बीटा भी निकाला हमने समय, और ये सी, तो सी बराबर हो जाएगा टी बाई एल, मतलब कितना एल माइनस वन और टी, सी की बीमा क्या आ जाएगी बच्चों एल माइनस वन और टी। ये तो सवाल मुफ्त में हो गया, अब उनको समझना था किस पर जो पॉइंट दिए थे ना उस पर सवाल करना था, अभी करते हैं फटाफट, ठीक है, चलो चलो अभी सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, मैंने बोला एफ बराबर कितना, एफ बराबर, एफ बराबर एफ नोट साइन एल्फा एक्स अपॉन कितना टी, बोला एफ नोट का बीमा बताओ, एफ नोट की बीमा, बोला एल्फा की बीमा बताओ, बोले एक्स दूरी है, एक्स किसकी बीमा है, दूरी की, ठीक है, तो एक्स क्या है बेटा दूरी, और बाई क्या है दूरी, टी क्या है बेटा समय, भाई तो है नहीं, बल क्या है बेटा एफ, एफ क्या है बल, ठीक है, तो बेटा क्या नहीं है, भाई तो है नहीं, तो एक्स दूरी है, टी समय है, एफ बल है। अब सुनो मेरी बात, आप बोलोगे कि साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी होता है वो बीमाहीन होता है बेटा, तो आप यहां बोल दोगे ये जो है वो बीमाहीन है, ये है बीमाहीन, बीमाहीन, तो ये भी क्या होगा बच्चों बीमाहीन, बीमाहीन होगा, मतलब अल्फा एक्स अपॉन टी क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, इसको हम वन लिख लेंगे, तो अल्फा आ जाएगा टी अपॉन एक्स, कितना आ जाएगा टी अपॉन एल, तो एल माइनस वन टी। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, बिल्कुल हाँ जी सर आ गई, क्यों आसान था, आपने पहले बता दिया था, क्या बता दिया था कि जो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा जो भी पद है त्रिकोणमितीय वो बीमाहीन होता है, उनके थीटा भी क्या होते हैं बीमाहीन, तो इसका थीटा हमने क्या कर दिया बीमाहीन कर दिया। अब देखो ये वाला पद बीमाहीन है तो, और आपको पता है क्या पता है कि एफ की बीमा, समांगता का सिद्धांत, एफ की बीमा बराबर कितना एफ नॉट साइन एल्फा एक्स अपॉन टी की बीमा। क्या बच्चों बात समझ में आई, तो एफ की, अब देखो ये तो बीमाहीन है बेटा, आप यहां देखो ये तो बीमाहीन है, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला क्या दिख रहा है बीमाहीन, ये बीमाहीन है, ठीक है, तो आप बोलोगे एफ की बीमा, एफ की बीमा किसके बराबर, ये तो बीमाहीन हो गया तो एफ की बीमा किसके बराबर हो गई एफ नोट की बीमा, यानी एफ की, एफ नोट की बीमा क्या होगी, एफ नोट की बीमा किसके बराबर आ जाएगी एम एल टी माइनस टू बल की बीमा के बराबर आ जाएगा, आंसर हो गया, चलो ठीक है बढ़िया बात है। अब अगला सवाल लेते हैं अपन, अगला सवाल क्या, वाई बराबर वाई नॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टी, तो बोले है ना सुनो मेरी बात, अल्फा और लगा दो, बोले किसकी बीमा निकालना है वाई नॉट की बीमा क्या होगी, बोले अल्फा की बीमा क्या होगी, यदि क्या है यदि बाई दूरी है, बाई और एक्स क्या है दूरी, और टी क्या है बेटा समय, बहुत अच्छी बात, तो आप क्या बोलोगे बेटा,
ठीक है, आपको बताया गया, आपको बताया गया, क्या बताया गया बेटा, आपको बताया गया स्पष्ट रूप से कि चरघातांकी पद विमाहीन होता है, विमाहीन आपको बताया गया बेटा, ठीक है। तो यदि ये विमाहीन है तो ये वाला भी क्या है, विमाहीन, जो भी एक ही घात है वो विमाहीन है बेटा। तो यहां से एक सवाल बन जाएगा बेटा, क्या एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा बाई टी, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा बाई टी क्या हो जाएगा, विमाहीन एम जीरो एल जीरो टी जीरो। नहीं आ रही बात में, बिल्कुल आ रही साहब, है ना, तरीके से आप समझो बात को, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर इसको वन लिख लो तो अल्फा बराबर हो जाएगा टी अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, तो एल कितना, एल माइनस टू इंटू टी। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई साहब, किसकी अल्फा की विमाहीन होगी, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा बाई टी विमाहीन हो जाएगा, क्योंकि ई की घात जो भी होता है वो विमाहीन होता है, ई की घात वाला पद जो पूरा है वो विमाहीन है, घात भी विमाहीन है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर अल्फा बाई टी क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो यानी वन, विमाहीन लिखो एम जीरो एल जीरो टी जीरो या वन लिखो, है ना, या फिर आप इसको अल्फा निकालो तो टी अपॉन एक्स स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस टू टी, ठीक है। अब आ जाओ, अब यदि ये विमाहीन है तो वाई की विमा किसके बराबर हो जाएगी, वाई नॉट के, है ना। अरे बच्चों बोल सकते हो क्या, नहीं मेरे लाल, अरे बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो क्या, हाँ भाई, वाई बराबर हो जाएगा वाई नॉट, क्या देखो ना, वाई नॉट ई की बराबर कितना एक्स स्क्वायर अल्फा बाई टी। तो ये तो क्या है, विमाहीन है, ये तो क्या है, विमाहीन। तो दोनों तरफ विमाएं बराबर होती है ना, समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी गणितीय समीकरण में प्रत्येक पद का विमा क्या होता है, समान होता है। तो आप बोलोगे वाई की विमा, वाई की विमा बराबर कितना, वाई नॉट की विमा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से आ रही है, मजा आ रहा है, सवाल भी होंगे 100% होंगे बच्चों सवाल, आप करके देख लेना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, वाई की विमा बराबर वाई नॉट की विमा, तो यहाँ पर वाई की विमा क्या, एल बराबर वाई नॉट की विमा, लो कर लो बात, कठिन सवाल है क्या, आसान सवाल है। अब आगे, आगे क्या बच्चों, हाँ ये देखो ये बढ़िया चीज़ है ना, जब हम एक बार अवकलन करते हैं, दो बार अवकलन करते हैं, तीन बार एन बार अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी की घाते एन वाई अपॉन कितना डी एस की घाते एन। अगर ऐसे पद की मतलब एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, एन बार अवकलन कर दोगे तब ये पद मिलेगा, इसकी विमा निकाल ली है, तो डी को हटा दो बेटा, ऊपर डी हटाओ नीचे डी भी हटाओ, तो बाई अपॉन एक्स की घाते, ऊपर बाई मिलेगा नीचे एक्स की घाते एन मिलेगा, तो बाई अपॉन एक्स की घाते एन की विमा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की विमा क्या होगी, तो आप देखो डी हटाओ एक्स बाई टी स्क्वायर की विमा, और एक्स क्या है आपका मान लो विस्थापन और टी समय है, तो एक्स आ जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल टी माइनस टू आ गया ना, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर विस्थापन का दो बार अवकलन कर दो तो तुरंत आ जाता है, एक्स का दो बार अवकलन करो तो तुरंत आ जाता है बच्चों। तो आप क्या बोले यहाँ पर, इसकी वहाँ एक्स बाई टी, डी को हटाते ही एक्स बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बाई टी स्क्वायर एल टी माइनस टू हो जाएगा, ये तुरंत की वहाँ दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, यानी हम लोग सत्य बात कर रहे हैं, सत्य बोलते हैं बोल, सत्य वचन, ठीक है। आगे यहाँ देखो, अगर मान लो समाकलन वाला है तो आप क्या डी को हटा दो, दोनों में अवकलन वाला पद हो या समाकलन वाला पद हो, डी को हटाने का और विमा निकालने का, ठीक है, तो कितना एक्स वाई की विमा होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अब देखो, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना ये बड़ा काम का, ठीक है, नियम है भौतिक राशियों में संबंध। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। आपको बताया कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए, ठीक है, कण का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो लगता है एफ सी, एफ सी होता है एम बी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। यहाँ पर वी वेग है, एम द्रव्यमान है कण का, और आर क्या है, पथ की त्रिज्या है, आर क्या है, पथ की त्रिज्या है, ठीक है, आर क्या है बच्चों, पथ की त्रिज्या, ठीक है, तो आर है बच्चों पथ की त्रिज्या। तो एक समान वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण के लिए अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अगर हमें नहीं पता है तो हम विमीय रूप से इसको निगमित कर सकते, इसका निगमन कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, कैसे, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकालते, उसकी कोई गारंटी नहीं है, जो भी फॉर्मूले में कांस्टेंट आते हैं ना, 9 × 10⁻⁹ टू आ गया, थ्री आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसका वैल्यू नहीं निकाल पाते विमीय विधि से। विमीय विधि से घातों की समानुपाती, एक राशि दूसरी राशि के किस घात के समानुपाती है ये बता सकते हैं। तो एफ का संबंध हमें एम बी आर के साथ निकालना है, तो क्या करेंगे, जो स्टेप्स हैं वो देखिए आप, बड़े सुंदर स्टेप हैं, ठीक है, आप विश्वास करोगे मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, एफ समानुपाती मानना है, एम की पावर ए, बी की पावर बी, आर की पावर सी, नहीं पता तो हम ये मानेंगे। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, लिखने का तरीका सोचो, कैसे लिखोगे, एफ समानुपाती एम की घाते बी की पावर बी और आर की घाते सी। तो अब देखो इसको हटा दो तो एक नीतांक आ जाएगा, के एम की घाते बी की घात बी आर की घात सी, है ना, इसको समीकरण फर्स्ट दे दो, बहुत बढ़िया बात है।
बिल्कुल एकदम जीरो से प्यार से वन शॉट को लेके चलना है, मजा आ जाएगा आपको, सवाल ना हो तो कहना, ठीक है। एफ समानुपाती किसके एम की घाते है, वी की पावर बी और आर की घाते सी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बीमा रख दो, अगला स्टेप क्या है, समानुपाती स्थिरांक हमने हटाया तो ये कॉन्स्टेंट आया, बीमा रखेंगे इसकी माँ है एम एल टी माइनस दो, है ना, एम की बीमा कितना कैपिटल एम की घाते ए, और ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन की घाते बी और आर की माँ एल एल की घाते सी। अब हम एम एल टी की बीमा सिस्टमेटिक कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखो एम की घात एक ही है ए, एल की घातें दो आ गई बी और सी, समान आधार पर घाते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एल की घात आ जाएगी बी प्लस कितना सी, ठीक है, और टी की घातें आ जाएगी माइनस का बी, है ना। अब देखो, है ना, हमें समांगता का सिद्धांत पता है ना, हम सभी जानते हैं, जानते हैं, अभी पढ़ा हमने समांगता के सिद्धांत के आधार पर क्या पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रत्येक समीकरण में सभी पदों की दोनों तरफ विमाएं क्या होती है, समान होती हैं, विमाएं समान होती हैं, मतलब एम की घात एल की घात और टी की घात दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ एम की घात ए है, यहाँ एम की घात वन है तो ए बराबर वन, यहाँ एल की घात बी प्लस सी है और यहाँ एल की घात वन है तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना वन, बराबर नहीं करेंगे तो समांगता का सिद्धांत फेल हो जाएगा। उसको फेल थोड़ी करने का है, चैलेंज थोड़ी करने का है, जो पता है हमें उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। बी प्लस सी इक्वल टू वन, अब देखो माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, टी की घात माइनस बी है माइनस टू है तो माइनस बी बराबर कितना माइनस टू, बी बराबर टू आ गया। अब देखो ए बराबर वन बी बराबर टू, यहाँ बी का मान रखोगे तो सी बराबर आ जाएगा माइनस वन। अब इन सभी मानों को समीकरण एक में डाल दो बेटा, समीकरण एक में डाल दो मेरे लाल, समीकरण एक में डाल दो। एफ कितना हो जाएगा के, एम की घाते ए ए वन है, बी की घाते बी, बी की घाते बी बी दो है और आर की घाते सी सी माइनस वन है। तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के एम वी स्क्वायर बटे आर, हो गया ना निगमन, हो गया ना, के का वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, है ना, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार बात। अब आगे आगे देखो, एक सवाल और लेके आया हूँ मैं इसका, ठीक है, ये देखो कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार विमा विधि से हम लोग, इस सिद्धांत के अनुसार विमा विधि से जो मैंने अभी आपको समझाया, जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके आधार पर हम बढ़िया से बढ़िया सवाल कर सकते हैं। लोग एक डेढ़ पेज में करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, अब हम फटाफट सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, ठीक है, गारंटी इस बात की, मजा आ जाएगा आपको। तो वेग वी बल एफ तथा त्वरण ए को मूल राशियां मानते हुए कोणीय संवेग का संबंध उपर्युक्त में किन के साथ होगा, मतलब ऑप्शन में वेग बल तथा त्वरण के साथ कोणीय संवेग का संबंध निकालना है, ठीक है, वही काम करेंगे हम। हमें पता है कोणीय संवेग क्या होता है, देखो हमें पता है कोणीय संवेग क्या होता है, क्या बच्चों पता है ना, ठीक है। तो हम मानेंगे कोणीय संवेग किसकी है ना, जैसे ऑप्शन है वैसे एफ बी ए, ऐसे हम सीक्वेंस लेंगे, एफ की पावर ए, बी की पावर बी और ए की पावर सी, एफ बल है, बी वेग है और ए क्या है त्वरण है, एल कोणीय संवेग है, ठीक है। तो एल का संबंध किसके साथ बच्चों, है ना, एफ के साथ, तो एफ की घाते ए, बी की घाते बी और ए की घाते सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम से चलेंगे, है ना, जब तक मान निकालने की जो है कंडीशन ना बन जाए तब तक सिस्टम से चलेंगे, दो तीन स्टेप ही तो चलना है, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, 30 सेकंड का काम है, 40वें सेकंड में तो आंसर आ जाएगा आपका, अगले 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो एल इक्वल टू के एफ की घाते ए, वी की घाते बी और ए की घाते सी, इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो एल होता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है बच्चों एम बी आर, एम बी आर, एम हो जाएगा आपका कितना कैपिटल एम, वी एल टी माइनस वन और ये आर, आर कितना एल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा एम बी आर, एम कैपिटल एम ये मास है, द्रव्यमान है, वी एल टी माइनस वन, आर का एल आ जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ देखो एल कोणीय संवेग हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, के कॉन्स्टेंट है, विमा लिखेंगे पहले हम घातों के रूप में लिखेंगे, पहले हम घातों के रूप में लिखेंगे बच्चों, फिर हम समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, फिर हम सभी राशियों की बीमाएँ लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो बच्चों एफ की माँ क्या होती है एम एम एल टी माइनस दो की घात कितना ए, एल टी माइनस वन की घात बी और ए एल टी माइनस टू की घात कितना सी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर अच्छे से समझ में आ गई बात, बात समझ में क्यों नहीं आएगी आप समझा रहे हैं, तो बात तो समझ में आनी है, अच्छे से आनी है बच्चों। अब देखो इसमें क्या एम एल टू टी माइनस वन कौन सा संवेग हो गया के, एफ क्या है एम एल टी माइनस टू की घात ए, एल टी माइनस वन की घात बी और एल टी माइनस टू की घात सी। अब सुनो मेरी बात, अलग अलग कर लो एम एल टी की घात है, एम की घात ए, एल की घात ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, एल की घात ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ टी की घात माइनस का टू ए है और यहाँ माइनस का बी है, यहाँ माइनस का टू सी है, ठीक है ना बच्चों।
अब देखो घातें हमने अरेंज कर ली, MLT की घातें निकाली, यहाँ M की घात A आ रही है, L की घात A, यहाँ B और यहाँ C, यहाँ T की घात माइनस का 2A, माइनस का B और माइनस का 2C। अब सुनो मेरी बात, MLT की घातें दोनों तरफ बराबर करना है, सॉल्यूशन निकलता है, ऑप्शन चेक करते जाना, यही इसकी खास बात है, यही ट्रिक है ना। ए बी सी के मान निकलते हैं, आप ऑप्शन देखते जाना, तब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ एम की घात वन है, यहाँ ए है, तो ए बराबर कितना, वन। देखो ए बराबर वन किसमें है, ए बराबर वन किसमें, ए एफ की घात है बेटा, तो ए बराबर वन किसमें है, यहाँ ए बराबर कितना है, माइनस वन। ए ये त्वरण है और ये हमने जो नीतांक माना वो है घात मानी, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो ए बराबर माइनस वन है, यहाँ ए बराबर दो है, यहाँ ए बराबर वन है और यहाँ ए बराबर माइनस दो, तो ए बराबर कितना आया, अपना सॉल्यूशन आया ए बराबर वन, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, काहे के लिए, टाइम बचाना है अपन को, कहीं से कोई आंसर गलत नहीं हो सकता है। आप देखो चेक करके बताएं, वन थ्री माइनस टू, वन थ्री माइनस टू, तो तीन और एक चार, चार माइनस दो, चार माइनस दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दो आ रहा है, अगर सॉल्व करोगे ए बी सी के मान, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, एल की घात दो है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर एल की घात, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ कितना है, दो है, तो देखो दो, तो ए का मान कितना है, वन, देखो तीसरे ऑप्शन में, बी का मान कितना है, थ्री, सी का मान कितना है, माइनस टू, ये कितना आ रहा है, टू आ रहा है, तीन और एक चार, माइनस दो, दो आ गया, सब पूरा सेट है मामला, तो एक आंसर आ जाए तुरंत, ऑप्शन देखो चेक करो फटाफट टिक करो। अगर मान लो पहले ऑप्शन से, पहले मान से हमारा आंसर मैच नहीं करता है, तो अगली इक्वेशन बनाएंगे, उस अगली इक्वेशन को, ठीक है, उसको आगे बढ़ा देंगे और फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे कि इक्वेशन किससे सेटिस्फाइड हो रही है। तो जैसे मान लो, मान लो यहाँ पे है ना कि मैंने पहला मान निकाला, उस इक्वेशन, उस मान को दो इक्वेशन, दो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मान लो पहले दो कर रहे हैं, ठीक है, अब आखिरी दो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, अगली इक्वेशन बनाना है। तो जो दो पहले ऑप्शन थे, दो हट गए थे, लास्ट के दो हट गए थे, पहले दो बचे, तो उन दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगली इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा और एक नहीं कर रहा होगा, तो जो नहीं कर रहा है उसको हटा देंगे, बाकी आंसर लगा देंगे। तो सारा काम सॉल्व करने का है, कितना स्मार्ट तरीके से आप सॉल्व करते हो, डील करते हो प्रॉब्लम को। तो मेरा आंसर एक ही स्टेप में आ गया, बहुत ज़्यादा हमने तामझाम नहीं फैलाया, आंसर आ गया कौन सा, थर्ड। क्या बच्चे वासन में आ गई, आगे अपन इस तरह की बहुत सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करना आपको, तरीका मैंने बता दिया, जुगाड़ भी बता दिया आपको, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों, ठीक है। विमीय विधि की सीमाएं, तो पहला, संख्यात्मक नीतांक विमीय विधि द्वारा निगमित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर, भाई एम बी स्क्वायर तो हम बना लेंगे, लेकिन हाफ को हम विमीय विधि से कहाँ से लाएंगे, नहीं कर सकते, सही है। विमीय विधि से पदों के जोड़ या घटाने वाले समीकरण नहीं बना सकते, जैसे मान लो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बीच में ये अकेला हो जाएगा, ये अकेला हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का योग कैसे, प्लस साइन कैसे लाएंगे, तो विमीय विधि से दो या दो से ज़्यादा पद जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, घटे हैं, उनकी समीकरण हम नहीं बना सकते, ठीक है। अगला क्या है, विमीय विधि से एक राशि का संबंध तीन से ज़्यादा राशियों के साथ नहीं निकाल सकते, याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, विमीय विधि से एक भौतिक राशि का संबंध तीन भौतिक राशियों के साथ नहीं ज्ञात कर सकते यदि उनमें से दो भौतिक राशियों की विमाएं समान है। क्या बच्चों बात समझ में आ गई, तो ये लिमिटेशंस भी बहुत काम की हैं, इनको आप अपने तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस में यूज करना। तो बहुत सारी बातें हमने हिंदी के वन शॉट में सीखी जो कि आधारित था मात्रक तथा मापन पर, ठीक है। आगे बच्चों और अच्छा सीखने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी फिजिक्स सुधारने के लिए बने रहिए आकाश इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।